आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। इसे टर्मरिक टी बोला जाता है और हिंदी में इसको हल्दी का काढ़ा बोलते हैं। तो ये बहुत ही सेहतमंद है। अभी जैसे बहुत ज़्यादा वायरस चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हमारे सभी के शरीर की इम्यूनिटी बढ़े और हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिले। तो आप इस ड्रिंक को बनाइए और अपने घर में बड़ों को, छोटों को, सबको पिलाएं। थोड़ा थोड़ा पिलाएं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कारगर है। तो चलिए सीखते हैं हल्दी का काढ़ा बनाना। हल्दी का काढ़ा, जिसे टर्मरिक टी भी बोलते हैं, देख लेते हैं उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैं एक बड़ा कप हल्दी का काढ़ा बनाने वाली हूँ, तो इसके अनुमान के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। आधा चम्मच हल्दी, तो हल्दी पाउडर जो है वो मुझे, जैसे ये साइज़ होना चाहिए आपके स्पून का, जो मीडियम साइज़ की स्पून होती है, इसका हाफ स्पून हमें लेना है। हल्दी काफ़ी गर्म होती है, इसीलिए आधा चम्मच हल्दी काफ़ी है। 4 से 5 काली मिर्च के दाने, आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लौंग 4 से 5, कसा हुआ अदरक और हनी 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हम शहद ले रहे हैं। आप इसके ऑप्शनल में गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो 1 बड़ा कप काढ़ा बनाने के लिए मैं 1.5 कप पानी चढ़ाऊंगी। सबसे पहले गैस पर पैन रखेंगे और इसमें अंदाजे से पानी डालेंगे। जैसे मैं ये बड़ा कप काढ़ा बनाने वाली हूँ, तो मैं 1.5 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। देखिए, जैसे पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी हम डालने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम काली मिर्च, लौंग, घिया कस करा हुआ अदरक, आप कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसमें उबाल आने दें, इसको पहले अच्छे से बॉईल करना है। हल्दी का काढ़ा ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खांसी जुखाम में, एकदम तुरंत आराम करता है। अगर आपके घर में किसी को खांसी जुखाम है, जैसे कि इस टाइम हमारे परिवार की, हमारे शरीर की जो है बॉडी, वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये हल्दी का काढ़ा घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ज़रूर पिलाएं। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दें, लेकिन हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे आपके परिवार की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। ये बुखार में, जुखाम, कफ में बहुत कारगर होता है ये काढ़ा। इसको अच्छे से उबाल आने दें, कम से कम इसको 5 मिनट आप अच्छे से उबालें। हमने इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है कि इसमें अच्छे से उबाल आए, ये अच्छे से पके। जैसे कि 4-5 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए, इसमें हम शहद डालेंगे। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, गुड़ या शहद। शहद अपने आप में बहुत फायदेमंद होता है। अच्छे से मिक्स कीजिए। एक उबाल आने दीजिए। और अब हम इसे बंद कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे छानिए और पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद। मौसम बदलता है जब, उस टाइम पे जो खांसी जुखाम होता है बच्चों को, फीवर हो जाता है, उस टाइम पे आप ये काढ़ा बना के पिलाइए। हर उम्र के बच्चे, बड़े, सब के लिए ये बहुत ही कारगर है। इससे शरीर की एकदम आपकी इम्यूनिटी
बढ़ती है। आपको अगर थकान लग रही है तो आप थोड़ा सा ही काढ़ा बना के पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक है। चलिए इसको छानते हैं, इसको कप में छान लेते हैं। तुलसी काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, हल्दी का काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार है। इसे टर्मरिक टी बोला जाता है। आप इसको आराम से गर्म गर्म पीजिए, बहुत ही आराम करेगा ये। आपके शरीर की ताकत को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करेगा शरीर की। बच्चों को, बड़ों को, सबको इसे पिलाइए, बहुत ही हेल्दी है। इस टाइम हमें सबको इस तरीके के आयुर्वेदिक काढ़ों की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह अपने हाथ धोते रहें, सेफ़ रहें, घर के अंदर रहें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाएं, उससे आपको मेरे आगे आने वाले नेक्स्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए थैंक यू।